भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में दूसरे बड़े मजबूत अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जल शक्ति विभाग के त्रैवार्षिक चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के 4 जिलों में संपन्न हुए चुनाव के बाद रविवार को जिला सिरमौर इकाई का गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष SD चौहान की अध्यक्षता में पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी के चुनाव करवाए गए। शांतिपूर्वक संपन्न हुए जिला सिरमौर जल शक्ति विभाग राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव में रविंद्र ठाकुर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, जबकि कुणाल शर्मा को महासचिव, अनिल शर्मा को कोषाध्यक्ष, फूलचंद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राजकुमार को मुख्य सलाहकार बनाया गया। IPH रेस्ट हाउस में संपन्न हुए इस चुनाव में जसवंत ठाकुर व अख्तर अली को मीडिया सचिव चुना गया। राजेंद्र चौहान तथा संजय चौहान को उपाध्यक्ष चुना गया। नरेश पोजटा तथा तनुज शर्मा को सर्वसम्मति से संगठन सचिव बनाया गया। जी LD चौहान जी, बताएं आज की जो ये जो चुनाव हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। आज जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर की कार्यकारिणी के चुनाव स्टेट की तरफ से रखे गए थे। यहाँ पे सुबह हमारी 11 बजे से लेकर अभी तक जो बैठक चली हुई थी, और बैठक के उपरांत अभी जो हमने 12 पदाधिकारीकरणी के जो है चुनाव संपन्न करवा पाए हैं अभी तक हम, तो हमारी जल शक्ति डिपार्टमेंट NGOs की तरफ से सरकार के समक्ष जो भी हमारी ज्वलंत मांगे थी लगातार उठाई जा रही है, और आगे भी जो है हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं उठाई जाती रहेगी। और अभी जैसे कि हमारे 12 जो पदाधिकारियों की एक बॉडी बनी है, रविंद्र ठाकुर जी को उसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और कुणाल जी को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से हमारी समस्त बॉडी यहाँ पर उपस्थित है, और आगामी हम चाहते हैं कि जो भी सर्कल कैडर की, सर्कल लेवल की डिमांडें हैं वो जिला कार्यकारिणी जो है अपने स्तर पर यहाँ पर निपटाती रहे, और जो स्टेट की जो डिमांडें होगी राज्य स्तर की उनको हम प्रमुख अभियंता महोदय, माननीय मंत्री महोदय के समक्ष और सचिव महोदय के समक्ष उठाते रहेंगे और जल्द पूरे करने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम रविंद्र ठाकुर, फेडर जमटा सब डिवीज़न जल शक्ति विभाग। मैं सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष LD चौहान जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना कीमती समय खोके यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है यहाँ आए। उन्होंने हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाने में पूरा सहयोग किया है। जो हमारी बॉडी बनी है, मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा कार्य करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी हमारे लेवल पे, जहाँ तक सर्कल हमारा यहाँ सर्कल लेवल है, जहाँ तक हमारे से निपटाने की कोशिश होगी हम खुद निपटाएंगे, अन्यथा हम LD चौहान जी प्रदेशाध्यक्ष का साथ के सहयोग से इस कार्य को निपटाएंगे। ज़्यादा न कहता हुआ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है, साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTEC, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B Pharma, D Pharma, M Pharma, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC ST OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।